नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल स्टोरी में आपके लिए है कुछ स्पेशल। अब स्पेशल है वो तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको देखनी पड़ेगी हमारी ये स्टोरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। तनुश्री दत्ता और नाना पाटेकर विवाद को लेकर राखी ने तनुश्री पर आरोप लगाते हुए कहा था कि तनुश्री ड्रग्स लेकर अपनी वैन में पड़ी हुई थी। उनके आरोप लगाने के बाद तनुश्री ने राखी पर मानहानि का केस करते हुए 10 करोड़ का हर्जाना मांगा। हाल ही में राखी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तनुश्री पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राखी साड़ी पहने हुए सिर पर पल्लू रखकर पहुंची। राखी ने कहा कि मुझे बहुत दुख हो रहा है, आज मैं बहुत उदास हूं, बहुत हो गया मीटू, अब मैं शीटू की शुरुआत करना चाहती हूँ। आज मैं दुनिया को वो सच बताना चाहती हूँ जो 12 साल तक छिपाए रखा। अपने चेहरे को छिपाते हुए राखी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि तनुश्री ने मेरे बार बार रेप किया है। राखी ने कहा, मुझे ये सब बोलने पे दुख हो रहा है, लेकिन मेरे साथ अत्याचार हुआ है, मुझे मारने की धमकी मिल रही है, मुझे गैंगरेप की धमकियाँ मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे साथ कई बार रेप किया गया, तनुश्री दत्ता ने मेरे प्राइवेट पार्ट को छुआ, उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। राखी सावंत ने मीडिया के सामने कहा, तनुश्री तुम मुझे इतना चाहती हो मुझे पता नहीं था, तनु ने मेरे लिए अपने बाल भी मुंडवा दिए, उसने मुझे खुद बताया था, लेकिन अब तुम गेम खेल रही हो, तुम बस इंडस्ट्री को बदनाम कर रही हो। नार्को टेस्ट नाना पाटेकर का नहीं तनुश्री का होना चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक लड़की किसी लड़की का रेप कैसे कर सकती है, तो मैं बता दूं, तनुश्री का सबसे बड़ा सच ये है कि वो लेस्बियन है। उन्होंने कहा कि वो अंदर से एक लड़का है, वो मुझे रेप पार्टी में ले जाती थी और वहाँ नशीले पदार्थ लेती थी, कई बार सिगरेट से तंबाकू निकाल कर उसमें कोई हरे रंग की चीज़ भरती थी, उसने मुझे ज़बरदस्ती ये सब पिलाया, पीने के बाद मेरा हाल ऐसा होता था जैसे मैं उड़ रही हूँ। राखी ने कहा कि तनुश्री 12 साल पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मैं नादान थी, सारी बातों से अनजान थी, लेकिन आज मैं अपनी आबीती सुना रही हूँ। सिर्फ मर्द रेप नहीं करते, एक लड़की भी रेप करती है। ये सुनकर लोग हंस रहे होंगे, लेकिन ये सच है, तनुश्री ने बार बार मेरा रेप किया है। बता दें कि तनुश्री ने नाना पाटेकर पर शूटिंग के दौरान बदतमीजी और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। उन्होंने 2008 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान नाना पर अपने साथ जोर जबरदस्ती की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। नाना के साथ साथ उन्होंने कोरियोग्राफर गणेश आचार्य, डायरेक्टर राकेश सारंग और प्रोड्यूसर सामी सिद्दकी पर निशाना साधा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने ऊपर लगे आरोपों को नाना पाटेकर ने गलत बताया। वहीं इस आरोप को सुनने के बाद राखी ने नाना पाटेकर को सपोर्ट करते हुए तनुश्री पर कई आरोप लगाए। राखी पूरे विवाद में खुलकर नाना पाटेकर का समर्थन कर रही हैं और उन्हें बेकसूर बता रही हैं। तो दोस्तों, मैं जानती हूँ कि आपको हमारी स्टोरी बेहद पसंद आई, और नीचे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की बहुत सारी स्टोरी हमसे जानने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।